अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर कुछ न्यूमेरिकल वर्क कर रहे हैं। आज छोटा सा लेक्चर है, कोई लंबा चौड़ा लेक्चर है नहीं, बस साथ साथ रहिएगा। इसके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने डिस्कस कर लिया है, अब उसके हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली देख रहे हैं कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो हमारे पास फार्मूलाज कौन कौन से हैं बेटा, डेल्टा ई इज इक्वल टू Q माइनस W, वर्क डन हम बाय सिस्टम को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। वर्क का एक और फॉर्मूला हमें मालूम है, P डेल्टा V। एक एप्लीकेशन के अंदर बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है वो किसके इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी। कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एच के इक्वल होती है, डेल्टा एच हम नेक्स्ट लेक्चर में एंथैल्पी को कवर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हीट, हीट का बेटा एक और फार्मूला भी होता है, एन सी डेल्टा टी, जो स्पेसिफिक हीट से निकलता है। स्पेसिफिक हीट में आपके पास जैसा प्रोसेस वैसे ही, अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी वी। कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो क्या आ जाएगा, सी पी। फार्मूलाज लिखते जा रहा हूँ जो हम यूज़ कर सकते हैं हीट के, ये फार्मूलाज आपको, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर और इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए, ये हीट निकालने के लिए, ये कांस्टेंट प्रेशर पर ही हो गया, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का एक फार्मूला तो ये है, एक इंटरनल एनर्जी का बच्चों हम फार्मूला जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो एन सी वी डेल्टा टी। वर्क का फार्मूला ये हो गया, मेरा ख्याल है कि काफ़ी ये तमाम फार्मूलाज हैं जो हमने इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल पर वर्क करते हुए, ठीक है बेटा। पॉज करके इसमें जो है ना, आपको इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो आराम से बन सकता है, क्योंकि वो एमसीक्यू में बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं है जो एमसीक्यूज में नहीं आएंगे। अब इसमें बेटा आप लोगों को ना दो बातों का ख्याल रखना है, एक तो बिहेवियर ऑफ यूनिट्स, आपने यूनिट से बिहेवियर रहना है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है यूनिट्स पर और साइन के ऊपर। तो साइन के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि क्यू हमारा पॉजिटिव कब होगा, जब हीट एंटर द सिस्टम। बेटा क्यू हमारा नेगेटिव कब होगा, जब हीट लीव्स द सिस्टम, सिस्टम से हीट बाहर निकल रही होगी, सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा होगा, गिव्स ऑफ कर रहा होगा, क्यू की वैल्यू नेगेटिव। बेटा इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। बेटा वर्क पॉजिटिव में किसको लूंगा, वर्क डन बाय सिस्टम को, क्योंकि इसी तरीके से आपको याद रहता है। और नेगेटिव किसको लूंगा मैं, वर्क डन ऑन सिस्टम। बच्चों थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस में साइन कन्वेंशन को अच्छी तरह से ध्यान में रखना, पहली बात साइन कन्वेंशन, दूसरी बात यूनिट्स, एनर्जी का यूनिट, हीट का यूनिट, वर्क का यूनिट, तीनों का यूनिट सेम होना चाहिए। जूल में ले लो, कैलोरीज में ले लो, किलो जूल पर मोल में ले लो, किलो कैलोरीज पर मोल में ले लो। यहाँ पर मैं कुछ और फार्मूलाज भी ऐड कर सकता हूँ जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, और फार्मूलाज भी लिख देता हूँ मैं। सी वी का फार्मूला आप लोगों को बताया था, एफ अपॉन टू आर। सी पी का फार्मूला आपको बताया था, सी वी प्लस आर। एफ याद है, एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3, डाई एटॉमिक गैस के लिए 5, और यही वैल्यू ट्राई एटॉमिक लीनियर्स के लिए। और आप लोगों के पास जो पॉली एटॉमिक हैं या ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर हैं उनके लिए एफ़ की वैल्यू 6।
ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम को, ये फॉर्मूलाज इस्तेमाल सकते हैं। यूनिट आर, आर की वैल्यू बेटा 0.082 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने के लिए 8.2 एक्सपोनेंट -2 ये वाली वैल्यू यूज़ कर ले, ठीक है, कैलकुलेशन आपकी सिंपल हो जाएगी। आर की एक और वैल्यू मैं बता रहा हूँ, तकरीबन बराबर होती है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन के, ये भी आर की एक वैल्यू। तो बेटा इसके हवाले से अच्छी तरह से मैं साइट पर हो रहा हूँ ज़रा, और आप लोग पॉज करके ये तमाम चीज़ों को नोट कर लें, सारे फार्मूलाज को एक जगह लिख लें आर की वैल्यूज़ के साथ, फिर साइन कन्वेंशन को अपनी जगह लिख लें एक जगह पर। और अब हम थोड़ा सा यूनिट्स के ऊपर बात करेंगे। यूनिट क्या हो सकते हैं जी, आप लोगों का वास्ता पड़ सकता है जूल के साथ, आपका वास्ता पड़ सकता है कैलोरीज के साथ, इनके दरमियान रिलेशन, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू तकरीबन 4.184 जूल या 4.2 जूल की वैल्यू इस्तेमाल करनी है। इसी तरह से ये जहन में रखिएगा कि 1 जूल इज इक्वल टू, एक और यूनिट भी होता है एनर्जी का, वो होता है एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। तो 1 जूल बेटा इक्वल होता है 101.3 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब के। ये रिलेशन भी याद रखिएगा, अगर इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ जाए जूल में तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी वैल्यू होगी आपको, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी देख लीजिएगा, यूनिट का ध्यान रखना है और अर्ग के साथ इसका यूनिट मेरे ख्याल में 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग, यही रिलेशन है 1 जूल का अर्ग के साथ, 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग। तो बेटा ये पहले मैंने तमाम फार्मूलाज बता दिए, मेन यूनिट्स, दो बातों का सिर्फ ध्यान रखिएगा थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस के अंदर, साइन का ध्यान रखिएगा और इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे यूनिट्स का, सिंपल, बाकी काम हमारा सिंपल ही है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मैं आपको वो वाले क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा जिसमें वर्क दिया हुआ है, हीट दी हुई है, इंटरनल एनर्जी पूछी है, वो आप लोग कर लेंगे, वो बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप कर लेंगे, मैं आपके लिए पेपर बना के लेकर आया हूँ, उस पेपर के क्वेश्चन हम करते हैं, वो क्वेश्चंस जिनमें बच्चे गलती कर सकते हैं या उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इज हीटेड फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, फाइंड वर्क डन। अब बेटा वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए एक फार्मूला तो ये है कि पी डेल्टा वी, इसमें कहीं प्रेशर वॉल्यूम का कोई तस्करा है नहीं। दूसरा फार्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फार्मूला है, तो मैं यहाँ ज़रा डाटा वेटा नहीं, मैं एमसीक्यू उसके रेफरेंस से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो उसी के रेफरेंस से मैं जल्दी जल्दी काम को सॉल्व कर दूंगा। इसमें ना मुझे हीट पता है ना मुझे इंटरनल एनर्जी पता है, अगर आपको दो बातें पता चल जाएं, हीट और क्या इंटरनल एनर्जी, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ना हीट पता है ना इंटरनल एनर्जी। तो बेटा डेल्टा टी, अब सबसे पहले हीट का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, अभी आपको बताया बेटा जैसा प्रोसेस होगा वैसी हीट हो जाएगी, वैसी स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट वैसी हो जाएगी, एन मालूम है, डेल्टा टी भी मालूम है, 50 और 150 का डिफरेंस 100 होता है। अब मुझे क्या चाहिए, सी पी, सी पी तो पता ही नहीं है, करें तो करें क्या, सी वी,
का फॉर्मूला बताया था आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड कौन सी गैस है, डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के लिए बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होती है, 5 अपॉन 2 आर। आर की वैल्यू मैं थोड़ा यूँ यूज़ कर सकता हूँ, तकरीबन बराबर होती है 2 कैलोरी पर मोल। बेटा जूल वाले यूज़ करोगे तो आंसर हीट का किस में निकलेगा, जूल में। कैलोरी वाले यूज़ करोगे तो कैलोरी में। मैं कैलोरी वाले यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन हो जाती है। तो आर की जगह क्या आ जाएगा, 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो सी वी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5। जब सी वी आ गई 5 तो सी पी भी निकाल लेता हूँ। सी पी का फॉर्मूला सी वी प्लस आर तकरीबन 7 कैलोरी पर मोल कैलोरी। अब मेरे पास क्या आ चुका है, सी पी आ चुका है, कितना आ चुका है, 7। एन की वैल्यू कितनी है, 0.5। सी पी की वैल्यू कितनी है, 7 डेल्टा 30। एक ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 5 5 7 35। यहाँ 10 बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 350 यूनिट किस में, कैलोरी के अंदर। सर अगर जूल में पूछते हैं तो भाई मल्टीप्लाई कर देना 4.2 से, जूल में आ जाएगा। क्या निकाल लिया है मैंने, हीट निकाल ली। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, अब मैं निकाल लेता हूँ डेल्टा यू, डेल्टा यू का डेल्टा ई, डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एन सी वी डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू भी लिख दो तो कोई मसला नहीं, इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल, एन सी वी डेल्टा टी, बताया हुआ फॉर्मूला आपको। मोल कितना है बेटा, 0.5। सी वी की वैल्यू निकाल चुका हूँ, 5। टेम्परेचर का डिफरेंस 100, आंसर बोल दो। एक गया यहाँ 10 बचा, एक पॉइंट से ये जीरो चला गया, आपके पास यहाँ 10 और 5 5 25, और ये कितना हो गया, 250 कैलोरीज। यूनिट सेम चल रहा, कोई मुझे टेंशन नहीं, जूल में लाने की भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ अगर ऑप्शन में आंसर जूल में होगा तो वो चेक कर लेंगे ना, वो निकालना क्या है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्यू माइनस डब्ल्यू, 250। हीट कितना, हीट कितनी है आपके पास, 350। वर्क को यहाँ लेकर आ जाओ, 350 माइनस 250, आंसर 100 कैलोरीज। ऑप्शन में देख लेना, 100 कैलोरीज के करीब वाला आंसर जो होगा वो आपका होगा। आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, एक आंसर को टिक करना होता है अप्रॉक्सीमेटली, इसलिए 2 की वैल्यू करके मैंने क्या कर ली, कैलकुलेशन। 8.2 वाला भी कर सकते थे, आंसर सेम आएगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, पॉज करके इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोल ऑफ नियॉन, चलो इसको हम थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बड़ा हसीन मौसम है बच्चों, शदीद गर्मी हो रही है और हम पंखा बंद कर देते हैं ताकि आपको आवाज़ साफ सुनाई दे, तो इसलिए हमारा बुरा हाल हो जाता है। वन मोल ऑफ नियन इज हीटेड फ्रॉम 50 to 100 degrees Celsius एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, फाइंड वर्क डन। वर्क डन निकालना है बच्चों, वर्क डन निकालना है। ओके, वर्क डन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, बिल्कुल वही पैटर्न है। एक तो कांस्टेंट प्रेशर पर उसने क्या दिया है, पहले मैं कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क डन निकालूंगा, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन निकालूंगा। कांस्टेंट प्रेशर पर तो बिल्कुल बेटा वैसे ही काम होगा, आप सबसे पहले क्या निकालना है आपको, हीट कांस्टेंट प्रेशर पर। पहले पार्ट नंबर वन कर रहा हूँ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, एन सी पी डेल्टा टी। सी पी की वैल्यू सर नहीं दी हुई, तो सी पी की वैल्यू हमारी उसी तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं। सी पी का फॉर्मूला क्या है,
एफ अपॉन टू आर, आर की वैल्यू तो टू है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए कितनी, थ्री, आर की वैल्यू टू, आंसर कितना आ गया थ्री। सीपी की वैल्यू कितनी, सीवी प्लस आर कितनी फाइव। एन, एन की वैल्यू वन, सीपी की वैल्यू कितनी फाइव, डेल्टा टी कितना फिफ्टी, फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी। चलो आंसर किस में लिख रहा हूँ, कैलोरीज के। आर की वो वाली वैल्यू यूज़ करता तो जूल में इस्तेमाल कर लेता। दूसरी बेटा, और मुझे और क्या चाहिए, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी। एन कितना वन, सी वी की वैल्यू थ्री, डेल्टा टी फिफ्टी, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन कैलोरीज। वर्क, वर्क किसके बराबर होता है बच्चों, वर्क बराबर होता है Q माइनस, और डेल्टा E बराबर होता है Q माइनस W के। डेल्टा E मुझे पता है 150, हीट आपको पता है कितना है 250 माइनस वर्क, वर्क इधर आ जाएगा 250 माइनस 150, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 100 कैलोरीज में। आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव, इसका मतलब वर्क इज डन बाय सिस्टम। हमारे कन्वेंशन के हिसाब से वर्क इज डन बाय सिस्टम। पॉज करो ज़रा, दूसरी की खुद कोशिश करो, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की ज़रा खुद एक ट्राई ले लो। पॉज करके पहले इसको कॉपी करो, कॉपी कर लिया होगा। अब तो बेटा क्यू वी, क्यू वी का फॉर्मूला, सेकेंड पे काम कर रहा हूँ मैं कॉन्स्टेंट, क्यू वी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। एन कितना है बेटा वन, सी वी की वैल्यू कितनी है बेटा थ्री, डेल्टा टी की वैल्यू है कितनी बेटा फिफ्टी, कितना आ गया 150 कैलोरीज। कांस्टेंट वॉल्यूम है बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आपको याद हो तो मैंने बताया कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है वो किसके बराबर होती है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी की। एप्लीकेशन आइसोकोरिक प्रोसेस का रिजल्ट है ये। कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क तो होगा नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सारी एनर्जी कहाँ जाएगी, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लग जाएगी। तो क्यूबी का आंसर कितना है 150 कैलोरीज। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, जब उसने कह दिया कांस्टेंट वॉल्यूम, वर्क डन, वर्क डन अंडर छोड़ेगा जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा, कैलकुलेट मैथमेटिकली दिखा रहा हूँ आपको, वरना तो इन एमसीक्यूज के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ही ये होता है कि वर्क डन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको करके दिखा दिया, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी बेटा 150, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बेटा कितनी आई है 150 माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू को वहाँ ले जाओ 150 माइनस 150, आंसर इज जीरो, वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देता हूँ, तुम लोगों ने खुद करना है। वन मोल ऑफ सी एच फोर, ये वैल्यू मैंने चेंज किया, इसको सॉल्व करना है, कमेंट में इसका आंसर लिखना है। कमेंट में इसका आंसर लिखोगे कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी, कांस्टेंट प्रेशर पर भी। एक ये क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को खुद से करने के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके ऑप्शन भी दे दूंगा मैं। और अगर क्वेश्चन में बेटा ज़्यादातर ऐसा होता है, हीट पता होती है, वर्क पता होता है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, वो तो डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वो तो प्लस माइनस की कहानी है, नथिंग एल्स। चले जी, क्वेश्चन है फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस
for an ideal gas. Find the ratio of option A, gamma into gamma. सबको पता है ना CP upon CV का ratio किसके बराबर होता है, gamma. इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें क्वेश्चन को किसी तरह से सिंप्लीफाई करके गैमा की फॉर्म में लेकर आना है. इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, माजरत के साथ. नंबर डी, गैमा वन माइनस गैमा. इन चारों में से एक ऑप्शन है राइट. वो राइट ऑप्शन आपने चूज करना है. पॉज करो, क्वेश्चन उतारो, सॉल्व करो. बेटा ये लेटे लेटे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा. जो बातें बोल रहा हूँ वो काम करो. बैठो अभी, इसको वीडियो को पॉज करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आगे वीडियो लेकर चलो. ये वाला क्वेश्चन दिया करने के लिए पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो को आगे लेकर चलो. आराम से बैठे रहोगे, चिप्स खाते हुए वीडियो देखोगे, कुछ नहीं होगा. रजिस्टर सामने रखो और जो जो बातें बता रहे हैं वो बातें आप लोगों को. तो बेटा ये थोड़ा सा आपको बता दिया कि अगर हीट नहीं पता तो किन रास्तों से जा सकते हैं. ओके चलें जी, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं. फाइंड द वर्क डन In each case, पहला पार्ट, when one mole of gas expands from 1 liter to 5 liter against constant atmospheric pressure. When one mole of gas, बेटा बड़ा सिंपल. देखो अब यहां पर हमें क्वेश्चन को देखते ही आइडिया लग जाएगा कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाना है. देखो यहाँ टेम्परेचर नहीं दिया हुआ बेटा. अगर टेम्परेचर की जुबान में बात करेगा तो जाहिर बात है वर्क डन मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ. बिल्कुल पहले क्या निकालते, क्यों निकालते, फिर क्या निकालते, इंटरनल एनर्जी, फिर क्या वर्क. यहाँ तो सिंपल वॉल्यूम की जुबान में, जब वॉल्यूम की जुबान में हमें पता है वॉल्यूम पता है, डेल्टा भी निकाल सकता हूँ. कॉन्स्टेंट प्रेशर का मतलब कितना, 1 एटमोसफेयर कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है. जब भी कॉन्स्टेंट एटमोसफेरिक प्रेशर बोले तो इसको STP पे ले लो, 1 एटमोसफेरिक प्रेशर ले लो. तो बेटा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा. वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी. तो वो आपको बता दिया टेम्परेचर की जुबान में बात हो रही थी पिछले सवालों में, यहां पर कि कौन सी जुबान में बात हो रही है, वॉल्यूम की जुबान में. वॉल्यूम की जुबान में बात होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाए. प्रेशर कितना, 1, वॉल्यूम कितना, चेंज निकाल लो, 5 और 1 4. आंसर कितना आ गया बेटा, 4. यूनिट क्या लग जाएगा, एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब. और ये मेरा आंसर आ गया. सिंपल, कोई इसमें बात, सवाल बहुत सिंपल होते हैं, उनको सिंपल तरीके से. मसला कब होता है, जब चेंज ऑफ वॉल्यूम नहीं दे, वर्क डन पूछे, चेंज ऑफ वॉल्यूम ना दे बल्कि टेम्परेचर दे दे, तो फिर हम कहाँ चले जाते हैं, दूसरी साइड में निकल जाते हैं. बी पार्ट, व्हेन वन मोल ऑफ एनी ऑफ गैस इन 10 लीटर कंटेनर एट 1 एटमॉस्फेयर इज अलाउड to enter a vacuated bulb of capacity 100 liter
पॉज करके ट्राई कर दो, शाबाश, पॉज करो, खुद ट्राई करो, पॉज करके ट्राई कर दो। चलो मनमोहन वॉल्यूम की जुबान में बात है बेटा, 10 लीटर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, डब्ल्यू का फॉर्मूला लगाया पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी जब आपने फॉर्मूला लगा दिया तो प्रेशर कितना आ गया 1 डेल्टा वी, कितना हो जाएगा बेटा 10 लीटर से कहाँ जा रहे हो 100 लीटर पर, चेंज कितना निकलेगा 90, और चेंज कितना निकाला आपने 90, और आपका आंसर आ गया एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब, और आपने 90 पर ऑप्शन में टिक किया और आपकी नैया डूब गई। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है ज़रा कॉन्सेप्ट देख लो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, देखो गैस कहाँ जा रही है, वैक्यूएटेड बल्ब वैक्यूम में जा रही है, क्या वैक्यूम में कोई प्रेशर होता है? आप देखो पहले था गैस में, वन एटमॉस्फेयर इज अलाउड टू एंटर अ वैक्यूएटेड बल्ब, बल्ब में भेज रहे हो, वहां पर वैक्यूम है, वहां स्पेस है, वैक्यूम के अंदर किसी किस्म की कोई ना एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं होता, तो ना ही कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वैक्यूम में प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है 0, लिहाजा वर्क डन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 0। अब ये जो गैस वैक्यूम में, गैस का अपने पास नोट भी कर लेना, गैस का वैक्यूम में एक्सपेंड होना, इसमें एक तो वर्क डन 0 होता है, दूसरा पॉइंट ध्यान में रख लेना, इस एक्सपेंशन को कहते हैं प्री एक्सपेंशन, प्री एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, तो लिहाजा ये चेक कर लीजिएगा, इसीलिए क्वेश्चन डाला कि इस चीज़ को डायरेक्ट टेस्ट में नहीं दे दिया, आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ठीक है बच्चों। बल्ब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अ सिस्टम एक्सपेंड्स फ्रॉम 5 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट a constant pressure of 2 atmosphere if it absorbs of heat during the process कैलकुलेट डेल्टा आई, ऑप्शन दिए होंगे 4, उनमें से एक ऑप्शन को चूज करना होगा बेटा, क्वेश्चन को पढ़ ले। फाइव लीटर से 10 लीटर डेल्टा भी मेरे पास कितना आ गया, 5 लीटर कांस्टेंट प्रेशर कितना है, सबसे पहले वर्क मालूम कर लो, वर्क कितना है बेटा P डेल्टा V, प्रेशर कितना है 2, डेल्टा V कितना निकलेगा 5, 2 5 सा 10 यूनिट एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब, क्यों कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है 800 जूल, क्या मालूम करना है बेटा डेल्टा I, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू माइनस W, क्यू कितना है आपके पास 800, ये कितना आ गया 10, आंसर कितना आ गया 790 जूल, और अगर आपने ये आंसर लिखा तो नैया डूब गई। क्या गलती है सोचो, सोचो क्या गलती है,
यूनिट्स, ये जूल में थोड़ी था, ये किस में था? देखो ये ऐसे, ये वो क्वेश्चन है जो तुम लोगों को फर्स्ट ईयर में हम लोग खुद भी गलत करवाते हैं। क्यों गलत करवाते हैं? क्योंकि ये बोर्ड ऑफिस में गलत चेक होता है। आपके पास 30 इयर्स में इस तरह के दो सवाल आए हैं और दोनों क्वेश्चंस के अंदर आप एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब में रख कर आंसर निकाल देते हो जूल के अंदर और कहानी हो जाती है ख़राब। तो अब एनटीएस आ गया, एनटीएस में ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने 790 को टिक किया, कहानी ख़राब हो जाएगी। आपको क्या करना है? आपको ये फॉर्मूला लगाने से पहले इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब को जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 101.3 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से हो जाएगा कितना हो जाएगा 1013 जूल। अब ये कन्वर्ट हुआ है जूल के अंदर, तो यूनिट से ज़रा होशियार रहना है। यूनिट ऐसा ना हो कि गलत पुट कर दिया वर्क जिस भाई, ये जूल में निकालना चाहते हो तो इसको भी जूल में होना चाहिए। अब फार्मूला लगाओ। अब फार्मूला क्या है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू कितना? 800। वर्क कितना? 1013। ये कितना आ जाएगा? 2230। माइनस में आएगा, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज जूल। ऑप्शन में वो ऑप्शन भी होगा, ऑप्शन में ये ऑप्शन भी होगा, तो ये ऑप्शन आपने टिक कर लेना। ये मैं वो क्वेश्चन करवा इसमें मिस्टेक हो जाती है, यूनिट का ध्यान नहीं रखते। तो आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन तो करवाए नहीं रहे, वो तो बुक में मौजूद है, वो कर ही लेंगे बच्चे। चले एक और क्वेश्चन, और उसके बाद आपकी जान छोड़ते हैं। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम। फोर एन एच थ्री प्लस 7O2 गैस, 4NO2, 6H2O गैस। CO गैस प्लस 2H2 गैस चौथा लिख देता हूँ मैं H2O। इक्वेशन देखकर आइडिया लगाना है बेटा। बेटा अब इसमें मेन कॉन्सेप्ट जो लग रहा है वो आपको मालूम है कि वर्क डन बाय सिस्टम कब होता है। सिस्टम जब काम करता है तो सिस्टम एक्सपेंड होता है, और जब सिस्टम पर काम होता है तो सिस्टम कंप्रेस होता है। सिस्टम वर्क कर रहा है या सिस्टम पर? तो बेटा पहली इक्वेशन में आप देख लो, सारे गैसेस पर हैं, फोर और सेवन कितना हो गया 11, फोर और सिक्स कितना हो गया 10। यहां टोटल मोल्स कितने हैं आपके पास? 11। वहां कितने हैं? 10। अब मोल के ऊपर सारी कहानी आ गई है। यहाँ 11 मोल, यहाँ 10 मोल, तो मुझे बताओ मोल बढ़ते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, मोल कम होते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वॉल्यूम आपके पास प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो तो एवोगैड्रो लॉ लगा सकते हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सारे गैस में? हाँ भाई, पूरा सिस्टम गैसियस है। 11 से 10 पे जा रहे हो, बताओ सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है कंप्रेस हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है।
जब सिस्टम कंप्रेस हो रहा है तो इसका मतलब वर्क इज डन ऑन सिस्टम। तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बता रही है आपको, वर्क इज डन ऑन सिस्टम, पहला वाला क्या हो। चलो आप कोशिश करो सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले का आंसर बता दें कितने मोल, 3 मोल। यहाँ कितने मोल, क्या हो रहे हैं, मोल कम हो रहे हैं, मोल कम हो रहे हैं, मोल कम हो रहे हैं, तो सिस्टम क्या हो रहा है, कंप्रेस, वर्क इज डन ऑन सिस्टम। और अगर आपने ऐसे देखा तो नैया डूब गए, क्योंकि ये बेटा सिस्टम होमोजीनियस नहीं है। हो सकता है आपका आंसर सही हो, आपकी लॉजिक गलत हो जाएगी। तो आंसर सही नहीं लेकर आना, सही लॉजिक से भी लेकर आना, आंसर सही था। ये गैस, ये गैस, ये लिक्विड। अगर बेटा ये हेट्रोफेस वाले सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ये होमोजीनियस है, सारे गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फेस सेम है, ये हेट्रोजीनियस है बेटा, यहाँ गैस है लिक्विड। अब खुद बताओ, गैस से लिक्विड, गैस एक्सपेंड फॉर्म में होती है, लिक्विड आपके पास ये होता है, तो आप गैस से लिक्विड में जा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, तो सिस्टम क्या कर रहा है, कंप्रेस। तो लिहाजा वर्क इज डन ऑन सिस्टम। तीसरा वाला बेटा सेम, फेस चेंज है, सॉलिड से कहाँ जा रहे हो, गैस में जा रहे हो, सॉलिड से गैस में जा रहे हो, तो गैस एक्सपेंड हो जाएगी, सिस्टम क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। अब ये सॉलिड है तो ये क्या, ये कौन सा वर्क हो जाएगा, वर्क इज डन बाय सिस्टम, वर्क इज डन बाय सिस्टम। बेटा फेज सेम हो तो फिर मोल देख लेना, अगर फेज अलग अलग हो तो थोड़ा देख लेना कि स्टेट चेंज का क्या असर पड़ता है। इसी तरह लास्ट वाला है बेटा, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, सिस्टम क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क इज डन बाय सिस्टम। और आपने ऐसा लिखा तो नैया डूब गई, क्यों सोचो, स्टेट मोल, मोल से देखा नहीं जा सकता, स्टेट सेम हो चुकी, स्टेट सेम नहीं है। अब देखें तो कैसे देखें, तो बेटा एक बुनियादी तसव्वुर याद रखना, ये वाटर सॉलिड में होने का मतलब क्या है, ये क्या है आइस, और ये क्या है वाटर। अब कुछ बातें जहन में रखा करो, दुनिया के तमाम सॉलिड एक तरफ, आइस एक तरफ, दुनिया के तमाम लिक्विड एक तरफ, वाटर एक तरफ। आइस वो लिक्विड है जो, आइस वो सॉलिड है जो जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो बजाय एक्सपेंड होने के कॉन्ट्रैक्ट होता है, और यही काम हो रहा है सॉलिड जब वाटर। अब आपने बोले सर गैस, भाई गैस में तो डायरेक्ट गैस में, गैस से मुकाबला नहीं है, सॉलिड का लिक्विड के साथ कंपैरिजन। तो सॉलिड का लिक्विड में जब कन्वर्ट हो रहा है तो वो बजाय एक्सपेंड होने के वो क्या हो रहा है, कंप्रेस। तो ये वाटर का केस सॉलिड और लिक्विड का ध्यान में रखना, इसीलिए क्या हो जाएगा, वर्क इज कंप्रेस हो रहा है, वर्क इज डन ऑन सिस्टम। तो बेटा इस तरह से हम इक्वेशन में, डायरेक्ट टेस्ट में नहीं दे रहा बेटा, बता रहा हूँ हर एक एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो आज तक के लिए यही, इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह हम एंथैल्पी का लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, तब तक के लिए कैमरामैन डॉक्टर शहजाद शाह के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।